अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारी रसोई। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन शाही रोल की रेसिपी। बहुत ही इजी वे में बनाएंगे और झटपट से, पर बहुत टेस्टी बनेंगे ये रोल। तो देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। ये मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ली है, 1 हैंडफुल पुदीना लिया है, 1 हैंडफुल मैंने हरा धनिया लिया है, 1/2 लेमन और 7 से 8 मैंने लहसुन की कलियाँ ली है और अदरक ली है 2 इंच के करीब। और चिकन का कीमा लिया है मैंने 1/2 kg और उसमें थोड़ा सा बिरिस्ता भुना हुआ जो प्याज होता है वो डाल दिया है। ब्रेड क्रम लिया है साथ ही में मैंने। 3 अंडे को फेंट कर लिया है मैंने। मसालों में मैंने लिया है अजीनोमोटो, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये है चिकन तंदूरी मसाला, इसकी जगह टिक्का मसाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गर्म मसाला होममेड हमारा। और ये मैंने लिया है वाइट पेपर पाउडर, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच लिया है मैंने। और ये मैंने लिया है चाट मसाला, चाट मसाला हमने 1/2 चम्मच लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो ये देखिए मैंने एक मिक्सर जार लिया है, उसके अंदर में जो मसाले मैंने रखे थे हरा धनिया पुदीना अदरक लहसुन और हरी मिर्ची ऐड करूँगी। ये ऐड करके इसमें लेमन का जो 1/2 लेमन था वो भी ऐड करेंगे स्क्वीज करके। साथ ही में हमारी चिकन है जो रखी है हमने वो भी ऐड करेंगे और इन सबको हम अच्छे से पीस लेंगे मिक्सर में। तो ये देखिए चिकन का कीमा हमारा अच्छे से पिस चुका है सारे मसालों के साथ। अब जो हमारे पाउडर मसाले हमने रखे थे अलग से वो इसमें ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से हम। कि हमारा चिकन का जो मैं से पूरा अच्छे से रेडी हो गया है, अब इसके हम रोल बनाएंगे। तो रोल बनाने के लिए मैंने एक बटर पेपर को ऐसे रख लिया, इस पर ऑयल लगा लिया है और साथ ही में मैंने लिया है चीज़, अमूल का चीज़ लिया है प्लस मैंने स्लाइस चीज़ भी लिया है। दोनों चीज़ें इसमें इस्तेमाल करूँगी, बहुत अच्छे बनते हैं दोनों चीज़ इस्तेमाल करने से। तो अभी मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे बनाऊँगी रोल। ये जो मिन्स है इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया था, अब ये मिन्स का इतना हिस्सा हम लोग ले लेंगे हाथ में और इस पर अच्छे से फैला लेंगे। ये देखिए अच्छे से चारों तरफ से इसे फैला लेंगे और इसमें हम रखेंगे चीज़ स्लाइस। चीज़ स्लाइस को मैंने बीच में से हाफ किया है, एक साइड हाफ वाला हम लोग हाफ ये इस्तेमाल करेंगे और हाफ हम लोग ये देखिए ये ऐसे रखेंगे और उस पर थोड़ा सा ये ग्रेटेड चीज़ भी ऐड करेंगे कि बहुत अच्छा मेल्ट होगा। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, इसलिए इधर से भी इसे फोल्ड करना है, इधर से भी इसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए पेपर से ऐसे करेंगे तो ईजी होगा और फिर इसे भी ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे पेपर से। पेपर से ऐसे करके आपको इसे खींच देना दबा के, तो हमारा रोल बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये इतना अच्छा और एकदम टाइट रोल बन के रेडी हो गया, इसमें से चीज़ हमारा बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा जब हम फ्राई करेंगे। सारे रोल हमने ऐसे ही रेडी कर लिए। तो ये देखिए हमारे सारे रोल बनकर तैयार हो गए, अब इसे हम अच्छे से ब्रेड क्रम में कोट कर लेंगे। ये रोल ऐसे लेंगे, अंडे में इसे अच्छे से डिप करेंगे ये देखिए, और साथ में इसे हम ब्रेड क्रम में अच्छे से कोट कर लेंगे। ये बेस्ट तरीका है कोट करने का, इसमें अच्छे से कोट हो जाएगा। ये देखिए सारे हमें ऐसे ही रेडी कर लेने हैं कोट करके। तो ये देखिए हमारे शाही रोल बन के बिल्कुल तैयार है चिकन के, अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म किया है, इसमें एक एक करके इसे ड्रॉप करेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। तो ये देखिए हमारे रोल शाही रोल बनके बिल्कुल रेडी हो गए, फ्राई हो गए अच्छे गोल्डन ब्राउन। इसे अब ऑयल से निकाल लेंगे और आपको बताते हैं हम कव करके। तो ये देखिए हमारे चिकन शाही रोल बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बहुत अच्छे बने हैं, इसमें से चीज़ भी इतना अच्छे से मेल्ट हुआ है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।